साथ ही मुझे ऐसा कुछ हुआ कि मैं घबराने लग गई। आई वाज मैं एक ड्रग्स टाइप का होता है कि आयशा दिस बहुत स्ट्रांग है। एक फनी चीज़ बताऊँ, खट्टा खाने का तो मेरा बहुत मन करता है, काश मेरे पास मेरी किस्मत की भी चाबी होती। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम ऑल्सो गुड। सो आज है संडे और संडे की इस प्यारी से सुबह के साथ मैं कर रही हूँ इस वीडियो की शुरुआत। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अभी किचन में हूँ, तो पक्का कुछ ना कुछ खाना खजाना करने वाली हूँ आज भी। तो एक्चुअली अभी टाइम हो रहा है अराउंड 10 बज रहे हैं अभी। आज मैं उठ गई थी 8:30 के करीब उठ गई थी और उसके बाद मैं फ्रेशन अप हो गई, नहा धो गई, आज मैंने बाल भी धोए हैं अपने। और साथ ही साथ थोड़ी गर्मी भी हो रही है आज, पहले के मुकाबले दिल्ली में फिर से गर्मी हो गई है स्टार्ट कह सकते हैं। और कल ना मैं बहुत लेट सोई, कल की वीडियो में आपने देखा होगा जब मैं काम कर रही थी उसके बाद शाम को मेरा मतलब जब मैंने लॉग आउट किया देन उसके बाद थोड़ा सा मैं अपने पर्सनल काम भी कर रही थी, मतलब कुछ कॉल्स अटेंड करनी थी, कुछ पेंडिंग वर्क थे वो भी कर रही थी। तो करते करते ना 9 बज गए, फिर 9 के बाद खाना मैंने खाया करीबन 10:30 बजे, लेट खाया। ऊपर से आप लोगों ने मुझे याद दिला देना आपसे कि मुझे मेडिसिन खानी है टाइम पे, मैंने मेडिसिन भी ले ली, एक खाली पेट वाली खानी थी, एक थी खाने के बाद वाली और एक थी खाने के साथ लेनी थी, तो वो तीनों मैंने खाई। और पता नहीं जब मैंने खाने से पहले वाली ली उसके साथ ही मुझे ऐसा कुछ हुआ कि मैं घबराने लग गई। आई वॉज फीलिंग लिटिल बिट एंगजाइटी, मतलब गढ़वाली में बोलूँ तो कबलाट, इट्स कॉल्ड कबलाट, कबलाट जैसा हो रहा था, बहुत ज़्यादा जी मचल रहा था मेरा। मतलब मेरे को लगा, मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मैंने कहा मम्मी इन दवाइयों से मुझे ठीक करना है और बीमार करना है। फिर रात को हुआ ये, खाना वाना खाने के बाद वो जो घबराहट थी वो तो कम हो गई, लेकिन फिर हैंगओवर होने लग गया दवाई का, क्योंकि मैंने जो दूसरी दवाई खाई वो मतलब वो दवाई मुझे कोशिश करवा रही थी कि मैं सो जाऊँ। लेकिन आपकी आयशा दिस बहुत स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि उसको नींद नहीं आई। मैं 1-2 बजे तक उठी रही क्योंकि भाई भी कुछ काम कर रहा था बाहर, उस चक्कर में मुझे मैं भी मस्त तो एकदम आंखें खोल के खड़क सिंह की तरह सोई नहीं, 1-2 बजे सोई फिर, और उसके बाद अब सुबह उठ गई। ऐसा ही रहा कल का मेरा दिन, समझ लीजिए कि समझ नहीं आया हो क्या रहा था, बट वो ये कि मैं लेट सोई, दवाइयाँ भी मेरे को नहीं कुछ असर कर पाई। मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि दवाई सोने वाली है, बट स्टिल एक होता है ना दवाई हैंगओवर करके सुला देती है इंसान को, मतलब उसमें एक ड्रग्स टाइप का होता है। बट चलो कोई नहीं, अभी तो पूरा 1 हफ्ते का है मेरा प्रोसीजर, तो वो तो फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो मैं बताती हूँ आपको आगे कि मैं अब क्या करने वाली हूँ। तो खाने में मैं क्या बना रही हूँ उसके लिए मैं पहले चढ़ा देती हूँ कढ़ाई। तो मैं बना रही हूँ पास्ता। एक्चुअली ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा लाइट खाने का मन कर रहा था तो सोचा पास्ता बना लेते, क्योंकि दिन में फिर ना कुछ चावल दाल कुछ भी खा लेंगे, खिचौनी चावल आलू की ना कुछ भी, बट अभी हल्का फुल्का ही खाना था और कुछ ऑप्शन था नहीं, तो ये लास्ट बचे थे थोड़े से पास्ता, मैंने सोचा इनको बना लेती हूँ। सो ये मैंने काट लिए वेजिटेबल्स, अनियन, कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज, कैरेट, और मसाले भी कर दिए आज मैंने पहले ही तैयार, ये मेरे मिक्स मसाले, ये मैंने थोड़ा सा तिल लिया है, और ये रहे मेरे पास्ता, स्पाइरल पास्ता है ये। तो चलो तैयारी करते हैं। टमाटर भी काटे थे, अब टमाटर काट रही हूँ, मम्मी को नहीं पता टमाटर नहीं हो रहा। सो अब ऑलमोस्ट वेजिटेबल्स भी मेरी हो गई हैं सॉटे, तो अब मैं डालूंगी पास्ता। ऑलमोस्ट 5 मिनट में ये बन के हो जाएगा तैयार, रेडी टू ईट एंड रेडी टू सर्व। फिर मैं मस्त खाऊंगी इसको, मुझे भी बहुत भूख लग रही है क्योंकि मैंने अपनी खाली पेट वाली मेडिसिन ले ली है और उसकी वजह से मुझे नींद भी आ रही है थोड़ा थोड़ा, मतलब नींद आती नहीं है मुझे, बस वो नींद वाला जो चक्कर हैंगओवर टाइप होता है वो आ रहा है। और मेरा कर रहा है ना इसके साथ ठंडा ठंडा या तो चिल्ड जूस पीने का मन, और दुकान कौन जाए यार, मुझे बड़ी आफत आती है दुकान जाने में, है तो पास में ही बट स्टिल। चलो बन गया है, सर्व कर लेती हूँ फटाफट से। वैसे मैं खाती नहीं हूँ बिल्कुल ना, बस वो ये है ना कि ये मम्मी को ना मैंने बोला है मत बनवाया करें, मुझसे मत बनवाया करें, बट नहीं खा
चलो ये खा ले, ठीक रहेगा, तेरा मन कर रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, बोल ही रहे तो खा लेती हूँ। पास्ता कम है इसमें, वेजिटेबल्स ज्यादा है, देख लो। थोड़ा सा बचा देती हूँ भाई के लिए। गाइज, दिस इज द लुक ऑफ माई पास्ता। मम्मी तो उसको टेस्ट नहीं करेगी, मैं ही कर लेती हूँ। शाबाश, एज ऑलवेज वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। मेरे मुंह में यू नो पानी भी आ रहा है, माउथ वाटरिंग टेस्ट। इसके साथ जूस का देखते हैं कुछ। हाँ तो बन गया, अब जूस लेने कौन जाए, मुझे तो ऑफ उठा रही है, बट पीने का मन भी कर रहा है। और बाद में अपने सुखा लेती हूँ, थोड़े खोपड़ी में थोड़े से ही बन रह गए बचे कुचे, वो भी सुखा लेती हूँ। ऊपर वाले ने भी क्या ही उम्र दी है। ओह माय गॉड, और मेरे बाल देखकर कितना झड़ रहे हैं आप। सी पापा, जूस ले आओ, जूस जाओ, फ्रूटी ले आओ मेरे लिए, जाओ ना। कुछ नहीं, किसी ने सुना ही नहीं। पापा जाओ जूस ले आओ, मेरे जूस, मेरे को जूस पीने का मन हो रहा है। पापा को देखना फोन पे ही चिपके हैं, मैंने कहा मेरे लिए जूस ले ला रहे हैं। मेरे पास चेंज नहीं है ना पापा, जूस लेने के लिए जाने वाले थे, उठने वाले थे। थोड़ा सा मेरी कन्विंसिंग स्किल्स और थोड़ा इम्प्रूव होती तो शायद पापा चले जाते हैं। दो बार और बोलना शायद चले जाए पापा। ओके यार, मैंने ना हो रहा है दवाई खा के शायद डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, तरावट पीने का, तरावटी चीज़ पीने का मन कर रहा है थोड़ा। पापा जा रहे हो? पापा जा रहे हो कि नहीं? हाँ ना, तो खा लूँगी तो तब क्या फ़ायदा। मेरी प्लेट तो दोस्तों जो मैं खा रही थी, मैंने भाई को टेस्ट कराया, उसने ही पूरी प्लेट ही ले ली। खाना है? He is eating my plates. Okay, it's okay. एक फनी चीज़ बताऊँ, मैं लेने नहीं गई जूस। मैं गेट पे जैसे कदम रखा, मुझे ऐसा फीलिंग आई कि यार नींबू है घर पे, नींबू पानी बना लेती हूँ, क्योंकि हेल्दी वाला वो चल रहा है ना मेरा भी फैशन, मुहिम चल रही है हेल्दी फूड एक्ट, तो मैं वो फॉलो कर रही हूँ। तो मैं भूल गई थी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चलो ठीक है एक बार ठीक है, बट छोड़ यार, वैसे ही पास्ता खा रही हूँ ना वेजिटेबल्स वाला, तो नींबू पानी पी लेती हूँ। तो नींबू पानी ही बना रही हूँ अपने लिए, मैंने ये रख दिया है अभी चीनी करने के लिए। तो तब तक मैं, मम्मी भी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गई है, कपड़े धो लिए मम्मी ने, तो मम्मी को टेस्ट कराते एक बार ये, ठीक है। पहली वाली जो प्लेट थी वो भाई ने खा दी। मस्त खट्टा खाने का तो मेरा बहुत मन करता है। मैंने थोड़ा सा, हाँ अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी हो ना इसकी, तो मैं बता दूंगी, आप कमेंट पे पूछ लेना। मैंने थोड़ा सा आमचूर डाला, मुझे खट्टा पसंद है। चीयर्स, नींबू पानी बन गया है। नाइस, परफेक्ट बनाया है। अब आराम से खा लेती हूँ मैं खाना, देन उसके बाद देखते हैं क्या होता है आज, आज का संडे कैसे बीतता है, और आगे आगे देखते जाओ। और मैगी मसाला भी ले आना। मम्मी पानी की बोतल कहाँ है, मेरे को दवाई खानी है। ठीक है, तो अब मैं खा लेती हूँ अपनी खाना खाने के बाद वाला दवाई, बाद वाला दवाई दोस्तों खाना खाने के बाद का डोज। मैं तो किस्मत दवाई भी उछल के भाग रही है। ये ठीक है, ये ज़्यादा कड़वी नहीं है, आराम से घुली जा रही है, घुटी जा रही है आई मीन। चलो फिर मैंने दवाई भी खा ली है, नाउ आई विल टेक रेस्ट। भाई का वीकेंड पे यही रहता है काम, बस गाने सुनता रहता है नेकी जी के, और ये गाना इसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है यार, चिपक गया इस गाने से।
आज है संडे और हमारा है महिलाओं का ग्रूमिंग डे एक तरीके से, आज ही टाइम मिलता है तो मैं कर रही हूँ मम्मी की ग्रूमिंग। बहुत बिजी रहा यार आज का दिन। मम्मी ने पहले मुझे बुक कर लिया था इसके लिए। मम्मी ने कहा कि सैटरडे को, फिर मुझे पता नहीं था मेरा सैटरडे को ऑफ नहीं है, तो फिर आज सैटरडे को काम कर रही थी तो आज मिला टाइम अब जाकर, तो मैंने कहा चलो मैं संडे को कर दूँगी। चलो मैं ये करती हूँ, देन उसके बाद मिलते हैं आपसे कि अब उस अगला टास्क क्या होगा मेरा आज का। मैंने आधे घंटे की नींद ले ली अब। ओह माय गॉड, तो पहली बार लाइफ में मैं दिन में सोई हूँ और वो उस सोने में भी मैं चैन से नहीं सोई, हालांकि मेरे को सब सुनाई दे रहा था बाहर का, तो मुझे लगी भूख। तो अब मैंने अपने लिए बनाया आलू की तिचौड़ी, तो मैं आपको दिखाती हूँ आलू की तिचौड़ी और भात खाऊँगी। ऑलमोस्ट मेरा बनने ही लोगों के लिए अलग सब्जी बनी थी और मैं वो नहीं खाती, तो फिर मैंने ये बनाया। बनने वाले में पानी डालूँगी, थोड़ा पकाऊँगी, उसके बाद मस्त भात के साथ मैंने रायता भी बनाया तो रायता खाऊँगी। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत अचानक से धूप भी बहुत तेज आई थी आज, कूलर चला रखा है अभी, हवा चल रही है मस्त। घंटा भाई बहुत गर्मी लग रही है आज, इतनी गर्मी लग रही है कि मैंने इतने समय बाद निकाला अपना ये शॉट, क्योंकि सारे तो धुलने चले गए थे तो एक ही बचा था। आई विल शो यू। सो फाइनली रेडी वगैरह होके अब शाम की चाय वगैरह पी ली मम्मी लोगों ने, मैंने नहीं, मेरे पापा ने, तो अब निकल रहे हैं मार्केट के लिए। तो मैं आज आपको ना दिखाना चाह रही हूँ अपना लोकल मार्केट, मैं सोच रही थी दिखाऊँ और ये फर्स्ट टाइम होगा आई थिंक आप भी देखोगे, क्योंकि मैं ही फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ लोकल मार्केट। मीन्स ये है जैसे संडे मार्केट लगता है वैसे मार्केट ना, तो मैं वो दिखा रही हूँ। चलो देखते हैं कैसा लगा होगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय बाद जा रही हूँ और मम्मी ने कहा कि चल ले तू भी आज, क्योंकि 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 मैं फिर हफ्ते भर में घर से बाहर नहीं निकल पाऊँगी, तो घर के अंदर अंदर भी बोर हो जाती, तो थोड़ा रौनक देख लूँगी बाहर की। सो लेट्स सी।
चलो हम अब जैसा कि आपने पीछे देखा क्या चकाचौंध है मार्केट में, देखकर बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मतलब यू नो रक्षाबंधन के लिए भी बहुत ज़्यादा दुकानें वगैरह भी लगी है, भीड़ भाड़ भी बहुत थी और मुझसे ज़्यादा रहा नहीं गया और सामान भी आज ज़्यादा मिला नहीं। मम्मी भी कह रही है कि सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा ना मिली नहीं और रात भी हो गई काफ़ी है, मतलब अंधेरा आजकल ना जल्दी होने लग गया है। तो ये एक तरीके से ये वो है मैसेज है कि हाँ भाई सर्दियाँ आने वाली है बहुत जल्द शायद। और ये देखो मेरा एक थैला फुल हो गया मम्मी ने दिया और एक मम्मी के पास से थैला डम्पू बन रखा है और पीछे से पापा भी आ गए। तो चलो अब हम तीनों साथ में घर जाएंगे और भाई भी जा रखा है बाहर। हाँ मैं तो मम्मी ने बोला ताला खोलो, भूल गई थैला, मैं कैसे खोलूँ, मैं भूल गई थी मेरे पास चाबी है। काश मेरे पास मेरी किस्मत की भी चाबी होती। हाँ कितनी गर्मी हो रही है ना बाहर, अजीब सी सुनने में तो वैसे गर्मी तो ज़्यादा गर्मी तो नहीं है बट है थोड़ा बहुत। हाँ मम्मी थक गई, थक गए हमें काफ़ी। अरे ये रहा मेरा सामान, मतलब मैं क्या लाई, मैं कुछ खास तो लाई नहीं, फल फ्रूट ही आए हैं अमरूद वगैरह और सब्जियाँ आई हैं पूरे वीक के लिए, हफ्ते के लिए। नहीं नहीं उसमें भी है। तो ऐसा बीता मेरा संडे, सुबह उठने से लेकर शाम को मार्केट लगता है। आज ही गई हूँ मार्केट, बाय द वे मैं नहीं जाती वैसे, बाहर जाना ही नहीं पसंद कर रही थी, भीड़ भाड़ तो दूर की बात, और ऊपर से मम्मी जाती है दोस्तों के साथ उनकी सब्जी लेने, मैं नहीं जाती। तो आज मैं ऐसी चले गई, मम्मी ने बोला चल मेरे साथ ही चल ले, थोड़ा घूम लेगी। तो ऐसा ही रहा पूरा दिन आज। और सब बताऊँ मार्केट में जाकर ना मुझे इतनी अचानक से क्या हुआ, लिटरली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, आई डोंट नो किस तरीके का था वो, बट ऐसा लगा ना लाइक एकदम से माइंड ब्लो हो गया अंदर, जैसे कि दिमाग में कुछ भग से गया और मैं हैंगओवर में चले गई अचानक से। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे क्राउड से ही प्रॉब्लम है, मे बी पता नहीं क्या हो गया, बहुत लेज़ी फील कर रही थी, बहुत नींद आने लग गई थी, बहुत थक भी लग रही थी। तो फिर हम घर की तरफ आ गए और अब कुछ नहीं, अब हमारा बनेगा डिनर वगैरह। ऐसे दिन आज का पूरा रहा और ऑलमोस्ट देखो छुट्टी कैसे जाती है ना पता नहीं लगता, देखते ही देखते कब सुबह से शाम हो गई, दिन भी बीत गया, कट गया, बस बोलो कट गया, अच्छी बात है। अब कल का दिन आ गया, कल मंडे है, सो लेट्स सी कल क्या होगा क्या नहीं। अगर कुछ अच्छा होता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और अगर कुछ नहीं होता है तो फिर उम्मीद करती हूँ जल्द ही आपसे फिर मिलूँगी इसके बाद में, इस वीडियो के बाद। तब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, प्यार ऐसे ही दे सकते हैं और मेरी बाकी वीडियोज़ जो मैंने इससे पहले प्रीवियस व्लॉग्स वो पोस्ट करे हैं आप उनको भी देख सकते हो, उनको जाकर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर न्यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मुझे अच्छा लगता है। इसी के साथ मैं करती हूँ अलविदा, तो बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी चल रही है सो टेक केयर।